नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दूसरी वीडियो है। तो यहां पे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, विजन मिशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाम का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 42, ये ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस की। अगर आप बात करो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चार मेन चीज़ें, जैसे कि पार्लियामेंट के इलेक्शंस, लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस, अच्छा राज्यसभा के इलेक्शंस में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होता है, ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होता है, और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होता है तो इसके पावर्स और फंक्शंस तीन कैटेगरीज के अंदर आते हैं। पहली कैटेगरी है एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी है एडवाइजरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी क्वासी जुडिशियल कैटेगरी। ये कैटेगरीज वैसे तो मैं बिल्कुल सेग्रीगेट नहीं करूँगा, बट थोड़ा थोड़ा मैं जब आगे पावर्स एंड फंक्शंस आपको बताऊँगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल का आइडिया मैं आपको देता जाऊँगा। तो आगे बात करें पावर और फंक्शन में, सबसे इंपॉर्टेंट पावर एंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टू डिटरमिन द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थ्रू आउट द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बात की जाए तो भैया 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में डीलिमिटेशन कमीशन आ चुका है। डीलिमिटेशन कमीशन में क्या होता है कि भैया एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलाका कितना है। आपको पता है दोस्तों कि ओवरऑल एक स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से उसको लोकसभा में या राज्यसभा में सीटें एलोकेट की जाती हैं, लोकसभा के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड की जाती है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड की जाती है तो ओवरऑल जब पूरे स्टेट को लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से तोड़ा जाएगा तो ये कोशिश की जाएगी कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस पर्टिकुलर इलाके में सेम नंबर ऑफ लोग रहते हो। तो भाई यहाँ पे डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बेसिस पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है उनके टेरिटोरियल एरियाज को डिसाइड करना, ये काम है आपका इलेक्शन कमीशन का। तो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट है पार्लियामेंट का, और इस एक्ट के अंदर जो बताया गया उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने की ताकत है किसके पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो इस डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट ने जो भी टेरिटोरियल एरियाज की परिपाटी बता रखी है, बेस बता रखा, उस बेस के हिसाब से टेरिटोरियल एरियाज को डिटरमिन करना अलग अलग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के। तो ये काम है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, ठीक है। तो भैया मान लो कि नवाबगंज करके एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ये इतने इलाके में यहाँ पे इतने नंबर ऑफ लोग हैं, इतने इलेक्टर्स हैं यहाँ पे, इनके ये वोटिंग कार्ड का डाटाबेस है, ये सब सेटअप करना किसका काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। उसके बाद समय समय पर इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना, उनको रिवाइज करते जाना। तो हर साल अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है वो वोट नहीं डालेंगे, तो उनको वोटिंग लिस्ट से हटाना। हर साल कुछ लोग 18 साल की उम्र से ऊपर चले जाते हैं तो उनको वोटिंग आईडी कार्ड्स इशू करना। तो लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम करता रहता है, तो इसलिए इलेक्टोरल रोल्स को पीरियोडिकली रिवाइज करना पड़ता है, नए इलेक्टोरल रोल्स बनाने पड़ते हैं, और वो काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर भाई इलेक्शन की डेट्स को और शेड्यूल्स को नोटिफाई करना, अनाउंस करना, और नॉमिनेशन पेपर्स को स्क्रूटिनाइज करना। तो जो लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं वो अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे, वो नॉमिनेशन पेपर उन्होंने सही फाइल किए नहीं किए इसके ऊपर देखना, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव कामों की कैटेगरी में आता है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्निशन देना, भाई नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, इस चीज़ का रिकॉग्निशन कौन देता है, तो इस चीज़ का रिकॉग्निशन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। उनको इलेक्शन सिंबल्स को अलॉट करना, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। फिर भाई टू एक्ट एज अ कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल टू देम। देखिए, टू एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स, यानी किसी दो पॉलिटिकल पार्टी में मान लीजिए इलेक्शन सिंबल्स को लेके एक डिस्प्यूट है कि भाई ये इलेक्शन सिंबल हमारा, ये इलेक्शन सिंबल हमारा, तो कौन सा इलेक्शन सिंबल किसका, किसका क्लेम है उस इलेक्शन सिंबल के ऊपर, ये जो डिस्प्यूट आ जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, इसके ऊपर काम कौन कर सकता है, इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन के क्वासी जुडिशियल फंक्शन के अंदर आ जाएगा कि यहाँ पे एक कोर्ट की तरह, एक जुडिशियल अपेलेट अथॉरिटी, अपेलेट तो नहीं बोलना चाहिए, एक जुडिशियल अथॉरिटी की तरह काम कर रहा है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन, ठीक है भाई। तो भैया पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देना है नहीं देना है इसके ऊपर डिस्प्यूट है, इलेक्शन सिंबल्स किसको देना है इसके ऊपर डिस्प्यूट है, तो वहाँ पे कौन सेटलमेंट करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटलमेंट करेगा। टू अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब भी लोकसभा के या किसी स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन के
इलेक्शन कंडक्ट करता है तो इलेक्शंस बहुत बड़े इलाके में कंडक्ट हो रहे होते हैं और हर जगह पे इलेक्शन कमीशन के मेन स्टाफ पहुंच पाए मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से स्टाफ को उठाता है। अभी मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इलेक्शन में कुछ धांधली हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, सही तरीके से इलेक्शन नहीं हुए, तो वहाँ पे जो धांधली हुई, जो भी डिस्प्यूट हुआ, उस डिस्प्यूट को इंक्वायर करने के लिए ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, इसकी ताकत भी इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन के समय पे पॉलिटिकल पार्टीज किस प्रकार से काम करेंगी, उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, वो कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, नहीं चल रही तो उनके ऊपर ये फाइन पेनल्टी लगाना, ये सब काम भी किसका है, इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन के समय पे कैंडिडेट्स और पार्टीज प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रही हैं, इस चीज़ को ओवरसी करना इलेक्शन कमीशन का काम है। फिर भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनकी स्टैंडिंग के हिसाब से, उनकी प्रीवियस इलेक्शन की परफॉर्मेंस के हिसाब से जो सरकारी रेडियो है, सरकारी टीवी जैसे दूरदर्शन पे कुछ समय का समय दिया जाता है अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, तो टीवी पे रेडियो पे किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना समय देना है उसके इलेक्शन एजेंडा का प्रचार प्रसार करने के लिए, इसके रोस्टर भी कौन प्रिपेयर करेगा, इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर करेगा। फिर मान लीजिए लोकसभा के इलेक्शन में किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन से लेके रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है और इस डिस्प्यूट में बोला जा रहा है कि ये पर्सन जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट पे खड़ा हो रहा है या खड़ा होके जीत चुका है, ये एक्चुअली में डिसक्वालिफाइड था, ये एक्चुअली में काबिल ही नहीं था उस जगह के, तो इसके ऊपर जब कोई डिस्प्यूट होता है ना तो डिसाइड कौन करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन पीछे से प्रेसिडेंट की मदद कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मदद करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी कि भाई ये पर्सन एलिजिबल है कि नहीं है। तो मान लीजिए पर्सन एलिजिबल नहीं है और वो इलेक्ट हो गया है, तो इलेक्ट होने के बाद उसको डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड जब भी प्रोसीडिंग चल रही होगी ना प्रेसिडेंट के सामने, वहाँ पे प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा वो किसके हिसाब से करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से करेगा। तो यहाँ पे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आ जाता है इलेक्शन कमीशन का, मैंने बताया था ना एडवाइजरी भी काम होता है, पावर्स एंड फंक्शंस है इलेक्शन कमीशन के, तो ये एडवाइजरी फंक्शन है। सिमिलरली जब राज्य स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन, मान लीजिए कोई एमएलए बन गया और वो एमएलए की पोस्ट के लिए क्वालिफाइड था या नहीं था, उसके डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड जब भी कोई हियरिंग चल रही होगी गवर्नर के सामने, वहाँ पे गवर्नर को कौन एडवाइस करेगा, तो भाई इलेक्शन कमीशन एडवाइस करेगा। फिर भाई रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस और अदर रिगुलरिटीज, तो ये सब तो इंडिया में कॉमन है। तो भाई इलेक्शन के समय पे बूथ में तोड़ के घुस गए, बूथ पे कब्जा कर लिया, गलत इलेक्शन पड़वा दिए, लोगों को धमका के इलेक्शन पड़वाए, तो इस तरीके की जब हरकतें होती हैं तो इलेक्शन को कैंसिल कर देगा कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन के समय पे ऑब्वियस ही बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टाफ की ज़रूरत होती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खुद का इतना स्टाफ नहीं होता है। तो भैया प्रेसिडेंट से या गवर्नर से रिक्वेस्ट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने लिए स्टाफ मांग सकता है, और ऑब्वियस ही बात है प्रेसिडेंट और गवर्नर कौन सा स्टाफ देंगे, प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो लोग होंगे, गवर्नर स्टेट की सर्विसेज में जो लोग होंगे उनको ही टेम्प्रेरी बेसिस पे अटैच कर देगा किसके साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ। तो कल की डेट में आईएएस बन के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाते, चलिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर लगे हो और लखनऊ में पोस्टेड हो, तो ऐसे केसेस में आपको भी इलेक्शन ड्यूटी पे भेजा जा सकता है। जो लोग बैंक में काम करते हैं उनको इलेक्शन ड्यूटी में भेज दिया जाता है, तो अगर आप सरकारी नौकर हैं तो आप तैयार रहिए, आपकी कभी भी इलेक्शन ड्यूटी आ सकती है, बैंक वालों की तो बहुत लगती है। ठीक है भाई, फिर आगे बात की जाए, टू सुपरवाइज द मशीनरी ऑफ इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री टू इंश्योर फेयर एंड फ्री इलेक्शन, भैया पूरे देश में इलेक्शन सही तरीके से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उसकी मशीनरी को सुपरवाइज करना। फिर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन अ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ एमरजेंसी आफ्टर वन ईयर। आपको मैंने आर्टिकल 356 के अंदर बताया था कि कहीं पे अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है तो प्रेसिडेंट रूल को अगर एक साल के बाद आगे एक्सटेंड करना है तो वो केवल इस बेसिस पे एक्सटेंड किया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी एक रिपोर्ट दे और उस रिपोर्ट में ये एडवाइस करे कि भाई उस पर्टिकुलर स्टेट में अभी ऐसे हालात नहीं है कि इलेक्शन कंडक्ट करवाया जा सके, और जब ऐसे हालात ही नहीं है कि इलेक्शन कंडक्ट करवाया जा सके तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड हो जाएगा। तो एक साल तक प्रेसिडेंट रूल लगे होने के बाद अगर उसके आगे प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए कि वहाँ पर इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराए जा सकते। तो इस काम में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाके ऑन ग्राउंड देखेगा कि भाई क्या इलेक्शन यहाँ पे हो सकते हैं, इलेक्शन हो सकते हैं तो ऑब्वियसली बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा। फिर भाई पर्पस ऑफ इलेक्शंस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करना, एक पॉलिटिकल पार्टी की पोल परफॉर्मेंस के हिसाब से ये डिसाइड करना कि वो नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी, ये सब काम है किसके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के
पार्टी, नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, ये चैप्टर नंबर 69 में हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 42 पे हैं। अब जल्दी 69 पे पहुंच जाएंगे। रीज़न भी कि अब जो चैप्टर्स हैं ना वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो साथ साथ डाटा 10-10 पन्ने में चैप्टर खत्म हो रहा है, तो मैं भी दो दो वीडियोज़ में एक एक चैप्टर निपटा रहा हूँ। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जब काम करेगा, तो अब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 मेंबर्स, उनका खुद का स्टाफ है, इनको बहुत सारे डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स मदद करते हैं। ये जो डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ना दोस्तों, ये सिविल सर्विसेज से ही उठाए जाते हैं। तो कल की डेट में आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, आईआरएस बनते हो, तो कुछ समय के लिए आपको डेप्यूटेशन मिल सकती है इलेक्शन कमीशन में एज अ डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। टेन्योर सिस्टम के बेसिस पे इन डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जा सकता है, और बेसिकली सिविल सर्विसेज में अलग अलग ब्रांचेस से कुछ समय के लिए इनको उठा लिया जाता है। फिर बहुत सारे सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, इनको भी कमीशन में पोस्ट किया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का देखिए खुद का कोई बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज़्यादातर केसेस में दूसरी सर्विसेज के ही स्टाफ को उठाता है अपना काम करवाने के लिए। चूंकि देखिए इलेक्शन अक्सर कर चलते रहते हैं, लेकिन जिस जगह पर इलेक्शन चल रहे हैं अगर वहीं के किसी पर्सन को कन्वीनियंट तरीके से उठा लिया जाए तो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। अगर स्टेट लेवल पे मान लीजिए इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन कमीशन को कौन मदद करेगा? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। तो भाई देखिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एक स्टेट में, उस स्टेट में हो रहे इलेक्शंस का इंचार्ज होगा, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो। तो उस स्टेट में इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर रहा होगा। इस चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को अपॉइंट कौन करेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंडक्ट करके ही अपॉइंट करेगा, कंसल्ट करके ही अपॉइंट करेगा। तो स्टेट में एपेक्स लेवल पे इलेक्शंस को ओवरसी कौन करेगा? आपका चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की सीधी सीधी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। किससे बात करने के बाद? तो स्टेट गवर्नमेंट से बात करने के बाद। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होगा आपका कलेक्टर। अब यहाँ पे एक चीज निकल के आती है दोस्तों, रिटर्निंग ऑफिसर। आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर ये रिटर्निंग ऑफिसर का कंसेप्ट क्या है? देखिए रिटर्निंग ऑफिसर एक ऐसा ऑफिसर होता है जो कि एक, अभी मैं आपको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहे हैं, तो जब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहे हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां होती है। रिटर्निंग ऑफिसर भी होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी होता है। ये रिटर्निंग ऑफिसर्स क्या करते हैं? तो भाई जो लोग भी अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे हैं, नॉमिनेशन पेपर को स्क्रूटनाइज करना, वीवीपीएटी और ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वीवीटीए, वीवीपीएटी को किस तरीके से ऑपरेट करना है, इन सब चीज़ों को देखना। जो लोग पोलिंग बूथ में डिप्यूटेड हैं, वो लोग कौन से स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, किस तरीके से काउंटिंग होगी वोट्स की, आपका एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन, ठीक है भाई। तो बहुत सी चीज़ें, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो वोटिंग हो रही है वो प्रॉपर तरीके से कंडक्ट हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ये काम किसका है? ये काम है रिटर्निंग ऑफिसर का। और एक बात उसमें ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है कलेक्टर, तो मतलब अपनी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन को ठीक तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए उसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, और हर पोलिंग बूथ का एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा। अगर कोई बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है और उसके अंदर बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो ऑब्वियस ही बात है जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो समय समय पर कलेक्टर को रिपोर्ट देगा कि भाई यहाँ पे ये इलेक्शंस हो गए, सही तरीके से काम हो रहा है, सब कुछ ठीक तरीके से हो रहा है। तो ये पूरा प्रोसीजर है दोस्तों यहाँ पे चीज़ों को करने का, समझ गया ना? तो यहाँ पे सबका इंपॉर्टेंट रोल है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो कि कलेक्टर है उसका भी इंपॉर्टेंट रोल है, रिटर्निंग ऑफिसर जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का है उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सही तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिटर्निंग ऑफिसर। तो रिटर्निंग ऑफिसर सारे पोलिंग बूथ के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको ओवरसी करेगा। एक पोलिंग बूथ में इलेक्शन सही तरीके से करवाने की ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पोलिंग बूथ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। वो पोलिंग बूथ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर को वो रिपोर्ट करेगा। वो रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट करे, या सीधे सीधे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को रिपोर्ट करे जिसको पूरे स्टेट के इलेक्शंस का चार्ज दिया गया। समझ गए भाई? ओके। अगर आप देखोगे तो जो कलेक्टर होता है ना डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर,
यही हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि उसके डिस्ट्रिक्ट में आती है उसके रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करता है। अब आप देखिए, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी तो दोस्तों बड़ी होती हैं, लेकिन जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज छोटी छोटी होती हैं। अगर आप लोकसभा की बात करो तो लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं, तो भाई कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज बड़ा होगा। लेकिन अगर आप बात करो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूपी, तो उसकी तो 400 सीटें हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत छोटी होंगी ना, तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी, और एक डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है वो है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। तो वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर अपने अंदर आने वाली सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, और हर पोलिंग बूथ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। तो भैया कलेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, इसीलिए भैया इतनी पढ़ाई है और इतनी मेहनत है कलेक्टर बनने में। फिर आगे बात करते हैं विजन, मिशन एंड प्रिंसिपल्स। ये बोल बच्चन टाइप बातें हैं। विजन क्या है? तो इलेक्शन कमीशन अपने आप को इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा, एक्टिव इंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को डीपेन करेंगे, स्ट्रेंगन करेंगे, इंडिया में भी ग्लोबली भी हम एक बड़े एग्जाम्पल की तरह उठ के सामने आएंगे, तो अच्छी अच्छी बात है। मिशन क्या है? तो भैया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी के साथ काम करेगा, एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूसिवनेस और एथिकल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स को बचाएगा, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म को लेके आएगा, फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे ताकि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और गवर्नेंस सही तरीके से आगे बढ़ सके। फिर गाइडिंग प्रिंसिपल्स देखा जाए तो गुड गवर्नेंस में गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है इलेक्शन कमीशन के? टू अपहोल्ड द वैल्यूज इनशाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि इक्वालिटी, इक्विटी, इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस, रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीडेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर इलेक्टोरल गवर्नेंस, ये करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शंस को हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिबिलिटी, फ्रीनेस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी से कंडक्ट करवाना, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी, प्रोफेशनलिज्म सब कुछ होना चाहिए। टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एलिजिबल सिटीजंस इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने आए, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो लोग तब आएंगे जब इलेक्शन कमीशन एक वोटर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना के रखेगा, जहाँ पे लोगों के लिए आना और वोट डालना काफ़ी आसान हो, इलेक्टोरल प्रोसेस सही तरीके से हो, इसलिए उस इलाके में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ इंगेज करके सही तरीके से एक सही माहौल में इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, ये काम है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में लोगों को अवेयर करवाना कि भैया वोट डाले जा रहे हैं, आप भी आके वोट डालिए। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना ताकि इलेक्टोरल सर्विसेज को सही समय पे अंडर प्रेशर प्रोफेशनल और इफेक्टिव तरीके से डिलीवर किया जा सके। स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए पहले से ही क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखना। इलेक्टोरल प्रोसेस में जितना ज़्यादा हो सके टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ताकि वोटिंग की काउंटिंग और वोटिंग को कास्ट करना आसान किया जा सके। इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रीइंफोर्स करना ताकि लोगों का भरोसा हमारी डेमोक्रेसी में बना रहे। तो ये है इलेक्शन कमीशन का काम। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना।